इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना पड़ेगा। वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए आप wordpress.org वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आपको गेट वर्डप्रेस का लिंक मिलेगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक और लिंक मिलेगा डाउनलोड वर्डप्रेस, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास फोल्डर आया उसको रीनेम कर दिए जो आपका प्रोजेक्ट का नेम होगा। सो यहाँ पे मैं ब्लॉग, सो यहाँ पे मैंने रीनेम कर दिया ब्लॉग वन। वर्डप्रेस रन करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत होती है। सो मैं इसको पेस्ट कॉपी करता हूँ। वर्डप्रेस फोल्डर को सर्वर में कॉपी करने के बाद आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमारा वर्डप्रेस यूज़ करेगा। तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉग वन नेम से एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। जो भी आपका लोकल होस्ट होगा उसके बाद जो आपका वर्डप्रेस फोल्डर का नाम होगा, उसके बाद यहाँ पे जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया है उसका नाम डालिए ब्लॉग वन, और यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है और जो पासवर्ड होता है वो हमारा एम्प्टी होता है। इसके बाद जो भी कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको कॉपी करिए और वर्डप्रेस फोल्डर में जाइए ब्लॉग वन, और यहाँ पे wp config को रीनेम कीजिए। यहाँ से हम सैंपल हटा देंगे और इस फाइल में जो भी कॉपी हमने किया जो अभी कोड उसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद रन द इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे आप अपनी साइट का नाम डालिए ब्लॉग, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, और इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। सो हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। लॉगिन, ये हमारा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल होता है। सो हम चेक करते हैं जो हमने इंस्टॉल किया था। ये हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट टेबल बन गए होंगे। सो हम चेक करेंगे वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट 12 टेबल्स क्रिएट करते हैं।